है नहीं ना, नहीं। मैं हूँ डॉक्टर कौशल पवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्वच्छकार समाज की आवाज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, भारत के कोने कोने से व्यक्ति आकर यहाँ पर अपने मांगों के लिए, न्याय के लिए बैठते हैं। हमने यहाँ भगाना कांड देखा, दुल्हना कांड देखा, गोहाना कांड देखा, हाथरस देखा, तमाम एक लगातार सीरीज है जो ना तो बच्चियों के बलात्कार को देखते हुए सहमती और ना उनकी आत्मा कांपती। इस कड़ी में जो आज हम जिसके माध्यम से आज हम तमाम राजनीतिक लोग, तमाम सामाजिक लोग, तमाम सामाजिक संगठन, प्रोफेसर्स, एकेडमिशियन, तमाम 36 बिरादरी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी न्याय की उम्मीद अभी भी बाकी है। हमारे साथ उत्तराखंड से हैं विशाल, जो बहुत यंग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आइए उनसे जानना चाहते हैं कि आज वो सॉलिडेटरी के लिए नांदल गांव के केस में जो 9 साल की बच्ची थी जिसने अभी दुनिया देखी ही नहीं थी, उसके साथ जो किया पुजारी और दूसरे लोगों ने, वो जघन्यतम श्रेणी में आता है। हालांकि प्रशासन, राजनीतिक पार्टियां, तमाम लोग ये दावा जरूर कर रहे हैं कि हम न्याय दिलवाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकदमा, लेकिन अभी भी ना तो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट हमारे सामने आई है और ना ही जो बच्ची का जो 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 अंग जो मिले हैं वो जो जिसके आधार पर ये सिद्ध करेंगे कि उसका रेप किया या नहीं किया, उसकी जांच कहां तक पहुंची, इसकी हमें जानकारी कुछ नहीं है। अभी तक तमाम लोगों की जानकारी के आधार पर मैं ये कहूंगी कि FIR की कॉपी भी अभी तक हमारे साथ पास नहीं है। हालांकि कितनी धाराएं इस केस में लगी है वो हमारे पास मौजूद है। हम विशाल से बात करते हैं। विशाल, मैं नांदल में आया हूं उत्तराखंड से, और ये समझिए कि पूरे उत्तराखंड के वाल्मीकि समाज की ओर से हम यहां संवेदनाएं व्यक्त करने आए हैं। ये जो जघन्य हत्याकांड हुआ है, जो निशंस हत्या हुई है, ये सिर्फ एक समाज से चाहिए और सजा भी ऐसी हो जिसको है उनकी रूह पे। मैं तो ये बताता हूँ, यदि हमारा कानून हमें ये स्वतंत्रता दे, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जलाया जाना चाहिए और उसकी लाइव वीडियो पूरे देश में दिखाई जानी चाहिए। ऐसा दुबई में भी होता है कि इस तरह के जघन्य हत्याकांड करने वाले लोगों के साथ बुरी से बुरी। कि जब से कोर्ट ने बलात्कार के अपराधी को फांसी की सजा मुकर्रर की है, एक एकेडमिक होने के नाते, एक सोशल मोमेंट में देखते हुए होने के नाते, ऐसा क्या आपको नहीं लगता कि जब से ये फांसी की सजा कोर्ट ने निर्धारित करती की है, तब से बच्चियों के साथ बलात्कार के साथ साथ उनका मर्डर किया जा रहा है? कारण यही है कि एविडेंस ना रहे, एविडेंस को खत्म करना है तो जिससे कि वो बच जाए। लेकिन ऐसा समाज का जागरूकता, ये पूरे देश के हर समुदायों में जागरूकता आई है और सोशल मीडिया के कारण जो एक शक्ति बनी है कि एक मैसेज जाता है तो तमाम हजारों लोगों पर, और उसी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, जब यहाँ जंग हो रही थी रात को, यहाँ तमाम हमारे कुछ महिलाएं थी, हमारे नौजवान थे कुछ यहाँ पर, और वो लड़ रहे थे पुलिस से, तो वो लाइव जब चला रहे थे तो तमाम लोगों को, हमें भी उससे पता चला, तो वेरी नेक्स्ट डे हम जैसे ही हमें कन्वेंस मिला, हम यहाँ तुरंत पहुँच गए, तमाम लोग, हमारे तमाम पहलवान की तमाम सब लोग आ गए, तो जिससे कि हम मोर्चा संभाल लिया। सर, सर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, बिल्कुल सही है, एक सोशल मोमेंट साइकोलॉजी का काम करता है गवर्नमेंट के ऊपर, तमाम राजनीतिक पार्टियों के ऊपर, बावजूद इसके आपका समाज तो दिखाई नहीं दे रहा है।
कहाँ है समाज? आज छठा दिन है और भारी संख्या में लोग आ रहे जा रहे हैं और ऐसा ही होता है, ये रनिंग मूवमेंट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आकर के बैठे जो जिसको समय मिल रहा है। और ये मैं पर्सनली क्योंकि मैं सामाजिक मूवमेंट से जुड़ा। आपका नाम क्या है, थोड़ा सा दर्शकों के बारे में बताइए। और मैं पहली दफा मैं ये देख रहा हूँ कि आज हमारे खासतौर पर वाल्मीकि समाज के इस मूवमेंट में ये मूवमेंट अपने बल पे समाज ने इसको खड़ा किया है। आज तमाम लोग भले ही तमाम दूसरे भी जातियों के संगठनों के समर्थन करने आ रहे हैं मगर ये इस वाल्मीकि समाज ने अपने दम पर इस मूवमेंट खड़ा किया। आज मंच सर हमारा है, हम आपको एक एक्टिविस्ट के नाते ही नहीं देखते बल्कि एक आप सोशल मनोवैज्ञानिक भी हैं। उस आधार पे आपको नहीं लगता कि ये जो जो सड़कों पे उतर जाना चाहिए था निर्भया कांड की तरह कैंडल मार्च होने चाहिए थे, पूरा भारत उबल पड़ना चाहिए था। छह दिन हो चुके आज जी, नहीं देखिए ऐसा जो और अभी तक कोई प्रोग्रेस कांड हुआ था जी वो जब तक हाईलाइट नहीं हुआ जब तक कि वो सर सर मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं बिल्कुल आपकी बात मैं हाथरस और निर्भया दोनों के कांड का अंतर मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। मैं वही जानना चाह रही थी आपसे। जाति की लड़की थी और उसमें तमाम एकदम से तमाम संगठन आ गए क्योंकि जनरल है तो अब क्यों नहीं आए? जातिगत मैटर है, जातिगत तो भेद है ही ना। आपके अपनी जाति के लोग भी नहीं दिखाई दे रहे? देखो हमारे यहाँ पूरे देश में मार्च चल रहे हैं, कैंडल मार्च चल रहे हैं, आवाज उठी जा रही है जिसका लगातार आ रहा है क्योंकि हमें मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर जितना डाल पा रहे हैं जितना आ रहा है वो आ रहा है लेकिन यहाँ पर भी मैं आप दूसरे दिन से हूँ, बिल्कुल नेक्स्ट डे से हूँ यहाँ पर लगातार मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ। ग्रुप के ग्रुप आते हैं, अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, बैठ रहे हैं और जा भी रहे हैं। और ऐसा नहीं है, लाखों लोग अभी पूरे देश में मोर्चे पर हैं, कोई ना कोई अपने लेवल पे तैयारियां कर रहे हैं। और आज ही मुझे फोन भी आया कि अपने धोबी समाज के रजक समाज के साथी भी कल नई दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं वो फिराक में। ऐसा नहीं है, हमारा समाज भी वाल्मीकि समाज भी और अनुसूचित जाति समाज भी और दूसरे अदर लोग में धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कोई साझा मंच आप लोगों ने बनाया इस पूरे मूवमेंट को लेके कि कैसे रन होगा आगे का? अभी हम ये चाहते हैं कि अभी जो मूवमेंट है अभी हमारे वाल्मीकि समाज की हाथ में रहे, जो हमारे पहलवान जी हैं और हमारे मैं आऊंगी पहलवान जी के पास भी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। जम करके बैठे हैं दिन रात, उन्होंने इस मोर्चे को संभाला हुआ है तो हम ये चाहते हैं अभी इसकी बात और हमारे हाथ में रहे क्योंकि हम सब लोग हमें सबसे निम्न स्तर का समझते हैं और चंद लोग आकर के दूसरे भी साझा मंच में दूसरी जातियों के तो आकर के तो इसको कहीं डाइवर्ट ना कर दे, इसलिए हम चाहते हैं कि ये हमारे ही हाथ में रहे क्योंकि मैं समाज के 24 घंटे इसी काम में लगा रहता हूँ। और दूसरा हमारे दूसरे भी सामाजिक संगठन भी आ रहे हैं तो ये हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं मगर ऐसा नहीं है कि आप समाज को क्रिटिसाइज ना करें क्योंकि ये समाज भारी तादाद में इस आंदोलन की तरफ लगा हुआ है या देख रहा है या इसमें शामिल होने की अपनी अपनी तरीके से। इसको हम ऐसे समझे कि वाल्मीकि समाज अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है, जागरूक अधिकारों के प्रति भी। और दूसरी बात, ये आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है। वाल्मीकि समाज को ये आंदोलन नई दिशा की तरफ लेकर के जाएगा और ये इतिहास बनने जा रहा है।